और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। दाबेली एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद आती है, बहुत ही टेस्टी, खट्टी मीठी तीखी सी दाबेली। आज मैं दाबेली में एक नया ट्विस्ट लाई हूँ। हम बनाने वाले हैं दाबेली कचौड़ी, वो भी जैन वर्जन और बिना फ्राई किए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये कच्चे केले को उबाल के कद्दूकस कर लिया है। मैंने 2 कच्चे केले लिए थे और इसे अच्छी से मैश करने के लिए मैंने इन्हें कद्दूकस ही कर दिया है ताकि कोई टुकड़े ना रह जाए। सबसे पहले कच्चे केले के नाप का ही हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही। 2 टेबलस्पून ये दाबेली मसाला है जो मैंने घर पे ही बनाया है, जिसकी लिंक मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे फ्लेवर इसी दाबेली मसाले में है, हमें अलग से और कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। मसाला सिंह है 2 टेबलस्पून जितने, वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून है दाड़म के दाने, अनार के दाने। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान है, इसे आप बना के भी रख सकते हैं और फिर तुरंत उसे सेक के हम सर्व कर सकते हैं, प्री प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून जितनी ये खजूर इमली की चटनी है उसे डालूंगी। अनार के दानों का जूसी मीठापन और मूंगफली का क्रंच बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए, इस तरह से बाइंडिंग आ जाती है। ये देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। हमने ये कच्चे केले में से बनाया है इसलिए हमें कोई बाइंडिंग की अलग से जरूरत नहीं है। अगर आप आलू का स्टफिंग करके बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसन लेके इसे, इस बॉल्स को बेसन में कोट कर लीजिएगा। कच्चे केले वैसे ही बहुत ड्राई होते हैं इसलिए हमें अलग से इसे कोट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कचौरी की साइज के हम बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। सारे बॉल्स इस तरह से प्रिपेयर हो गए हैं। अब मैंने ये बॉल में 1 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। मैंने जो आपको बाइंडिंग के लिए बताया था वो कैसे किया जाता है वही मैं बता रही हूँ। एक पतला सा घोल तैयार करना है हमें ताकि ये बॉल पे एक लेयर आ जाए। इस घोल में हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि घोल फीका ना लगे। देखिए, ऐसा पतला चाहिए हमें, सिर्फ बॉल पे एक कोट आ जाए वैसा ही। और ये मैंने सेव ले ली है, जो भेल की सेव आती है वही। मेरे पास ये मोटी वाली सेव है जिसे मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अगर आपके पास नायलॉन सेव है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम बॉल को इसमें डिप करेंगे। सब जगह से हल्का सा कोट हो जाए बस, ना ही हमें करना है। फिर हम सेव में डाल देंगे। और सेव से अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बॉल प्रिपेयर होगा। कचौड़ी हमारी तैयार हो गई। जैन दाबेली कचौड़ी असेंबल करके तैयार है, इस तरह से देखिए। अब हम इसे सेट करने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तवे पैन को मैंने स्लो आंच पे गरम करने के लिए रख दिया है। बहुत ही कम ऑयल में हम दाबेली कचौरी बनाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब जो दाबेली कचौरी है उसे प्लेस कर देंगे इस तरह से, ऊपर से हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। अब हम स्लो आंच पे ही इसे अलटते पुलटते पुलटते क्रिस्प कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा क्रिस्प आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है। मैं इस तरह से घुमाते जा रही हूँ, पूरा एक लेयर गोल्डन आ जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। इस तरह से उलटते पलटते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे गोल्डन क्रिस्प सिक गए हैं। दाबेली कचौरी हमारी बनके तैयार है, निकाल लेंगे। दाबेली में से बनाया हुआ एकदम बढ़िया नाश्ता बनके तैयार है। मैंने सर्विंग में ले लिया है और ये देखिए मैंने इसे तोड़ के भी रखा है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, देखिए अच्छी तरह से सेक लेने के बाद सिर्फ 1 टीस्पून तेल में हमने इसे सेक लिया है। बहुत ही मजेदार, टेस्टी और टेम्पटिंग ऐसा दाबेली का नया नाश्ता आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।